गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी, तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है जो हम खुद ब खुद बनाते हैं, जिसमें हम ये एक प्रॉपर चैनल बनाते हैं ऑफिशियली कैसे काम करना है। ठीक है, इट रेफर्स टू ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डेलिब्रेटली क्रिएटेड बाई मैनेजमेंट फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एंटरप्राइज। ठीक है, जैसे कोई मैनेजमेंट ने सजेशंस मांगे तो वो सजेशंस कैसे जाएंगे? नीचे से लो लेवल टू टॉप लेवल। ठीक है, तो एक फॉर्मल सेटअप है। पहले आप सुपरवाइज़र से बात करोगे, सुपरवाइज़र आगे मैनेजर से करेगा, मैनेजर आगे चेयरमैन से करेगा या डायरेक्टर से करेगा कंपनी के। ठीक है, इट इज़ नेटवर्क ऑफ ऑफिशियल अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप एंड कम्युनिकेशन फ्लो। इट इज़ एन ऑफिशियल एंड रैशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, ये एक ऑफिशियल स्ट्रक्चर होता है जो कि ऑफिसेज में यूज़ होता है या कंपनीज में यूज़ होता है। अब आगे इसकी डेफिनेशन है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज सिस्टम ऑफ कॉन्शियसली कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज ऑफ टू और मोर पर्सन टूवर्ड्स अ कॉमन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कॉन्शियस एक सिस्टम होता है जिसमें हम कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हैं। ठीक है, द सेंस ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज कॉन्शियस कॉमन पर्पस एंड फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कम इन टू एग्जिस्टेंस वेन पर्सन आर एबल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर आर विलिंग टू एक्ट एंड शेयर अ पर्पस। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो होती है जब हम कोई पर्पस शेयर करते हैं उसके लिए। नेक्स्ट इज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? जिसमें हम ह्यूमन रिलेशनशिप्स बनाते हैं, सोशल रिलेशनशिप्स, जैसे हो गए हमारे फ्रेंड्स फैमिली। ठीक है, जैसे आप जिम में जाते हो आपके जिम वाले फ्रेंड्स और हैं, ऐसे मतलब फ्रेंड्स होते हैं जिसमें। इट अराइजेज नेचुरली ऑन द बेसिस ऑफ फ्रेंडशिप और कॉमन इंटरेस्ट। तो ये कैसे बनते हैं? जैसे आपका कॉमन इंटरेस्ट है तो आपकी फ्रेंडशिप हो जाएगी। ठीक है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया जिम, अगर आपको जिमिंग पसंद है तो आपके जिम में फ्रेंड्स बन जाएंगे, वो आपके इनफॉर्मल फ्रेंड्स होंगे, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में आएगा। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज अ जॉइंट पर्सनल एक्टिविटी विदाउट कॉन्शियस कॉमन purpose through contributing to a joint result. Next is difference between formal and informal organization. जो formal organization है वो deliberately बनाई जाती है, informal जो है वो खुद ही बन जाती है जैसे naturally. Formal का अब purpose क्या होता है कि हमने जो कंपनी के ऑब्जेक्टिव है उनको फुलफिल करना है, और इनफॉर्मल में होता है कि आपको socially आपको होता है कि हम किसी से बात करें, अपनी प्रॉब्लम शेयर करें, तो उसके लिए। नेक्स्ट इज साइज़। फॉर्मल का जो ग्रुप है वो बड़ा हो सकता है, इनफॉर्मल का छोटा हो सकता है। नेचर ऑफ ग्रुप। फॉर्मल ग्रुप्स आर स्टेबल एंड मे कंटिन्यू फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इनफॉर्मल ग्रुप्स अनस्टेबल इन नेचर हो सकते हैं क्योंकि फ्रेंड्स में लड़ाइयाँ भी हो सकती हैं, फॉर्मल जो है वो स्टेबल रहता है। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ ग्रुप्स। जो इनफॉर्मल ग्रुप होता है वो बड़ा होता है फॉर्मल ग्रुप से, क्योंकि आपके फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, स्कूल फ्रेंड्स हो सकते हैं, देन कॉलेज फ्रेंड्स, या फिर आगे जाके आप जॉब करते हो वहाँ फ्रेंड्स, अथॉरिटी। फॉर्मल में क्या होता है कि आपको एक स्ट्रक्चर में अथॉरिटी दी जाती है, जैसे स्टूडेंट है, स्टूडेंट पहले टीचर से बात करेगा, टीचर आगे प्रिंसिपल से करेगी, तो एक अथॉरिटी है। ऐसे इनफॉर्मल में है सभी इक्वल होते हैं, आप सारे फ्रेंड्स इक्वल हो, मजाक करते हो जब ग्रुप में होते हो। जो बिहेवियर होता है मेंबर्स का उसमें रूल्स होते हैं, जब इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें प्रॉपर बिलीव्स वैल्यूज़ की आपको प्रॉपर एक स्ट्रक्चर रूल्स को फॉलो करके करना पड़ता है। फॉर्मल में क्या होता है कि आपकी मर्जी, आप जैसे भी मजाक वगैरह करते हो। ठीक है, इनफॉर्मल में कुछ ऐसा नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट है कम्युनिकेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो है वहाँ पे क्या होता है कि आपको एक कमांड दी होती है कि आपने इस इंसान को रिपोर्ट करना है जो भी काम किया आपने। ठीक है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन नॉर्मली फ्लोज थ्रू द प्रिस्क्राइब्ड चेन ऑफ कमांड। इनफॉर्मल में क्या होता है कि किसी से भी बात पता लग रही है, जैसे फ्रेंड्स का ग्रुप होता है तो वो इनफॉर्मल होता है, वहाँ
कोई किसी की बात कर रहा है, कोई किसी की कर रहा है, पर जो फॉर्मल होता है उसमें जो आपकी कंपनी का ऑब्जेक्टिव है उसके रिलेटेड बात होगी और वो एक प्रॉपर चैनल के थ्रू होगी। जैसे आपको कोई नोटिस मिलता है तो वो एक प्रॉपर चैनल के थ्रू मिलता है, ठीक है। वैसे मैनेजमेंट कैन अबॉलिश द फॉर्मल ग्रुप्स एट एनी टाइम। जो ऑफिशियली ग्रुप्स बनते हैं उनको मैनेजमेंट कभी भी ख़त्म कर सकती है, लेकिन जो अनऑफिशियल ग्रुप्स होते हैं जैसे फैमिली फ्रेंड्स, उनका मैनेजमेंट के ऊपर कोई मैनेजमेंट का उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता। नेक्स्ट इज लीडरशिप। इन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन लीडरशिप इज वेस्टेड इन मैनेजर्स। इन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन लीडरशिप इज नॉट एसोसिएटेड विद मैनेजर। इनफॉर्मल में कोई लीडरशिप नहीं होती, फॉर्मल में लीडरशिप होती है। इनफॉर्मल में क्या है कि सोशल रैंकिंग के अकॉर्डिंग आपके स्टेटस होते हैं, और फॉर्मल में क्या है, देयर आर शार्प स्टेटस डिफरेंशियल अमंग द मेंबर्स ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन विच इनहिबिट फ्री इंटरेक्शन एंड सोशलाइजेशन। इन इनफॉर्मल सोशल रैंकिंग, अब फ्रेंड्स में क्या है, कोई रिच हो सकता है फ्रेंड, कोई गरीब हो सकता है, ठीक है, कोई मिडिल क्लास हो सकता है, बट जब फॉर्मल होगी तो उसमें ये सब नहीं देखेंगे, सोशल रैंकिंग नहीं देखी जाती। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो। इफ देयर इज एनी डाउट जस्ट लेट मी नो। थैंक यू।